हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे इस सीरीज की, यानी क्लास ऑफ 2020 जो कि रिलीज हुई अल्टबायोलॉजी ऐप पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहूंगा। ज्ञान की बात यह है कि आप लोगों ने गुड़ यानी कि जैगरी के बारे में तो सुना होगा। गुड़ तो सब लोग ने खाए, तो तरह तरह के गुड़ होते हैं, अलग अलग किस्म के गुड़ होते हैं। कुछ गोल्डन कलर के गुड़ होते हैं, कुछ डार्क गोल्डन कलर के गुड़ होते हैं। तो बेसिकली ये गुड़ को अगर पानी में डाल के पियोगे तो हड्डियां मजबूत होती है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बड़े बुढ़े लोग कहते हैं, और जो बेचारे कहते हैं वो तो ऑब्वियसली सच्ची होता है। अगर आप लोग को कुछ शक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर, अब गुड़ का जिक्र हो ही चुका है, तो हम लोग बात करेंगे विकास गुप्ता द्वारा क्रिएट की गई और प्रोड्यूस की गई सीरीज जिसका नाम है क्लास ऑफ 2020 सीजन 2। अब मैं सीजन 2 इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीजन 1 आया था 2017 में, जिसका नाम था क्लास ऑफ 2017। खैर, उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। खैर, विकास गुप्ता और करण जौहर का एक रिलेशन है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। एक इंग्लिश की कहावत है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ये कहावत तब सच साबित हो जाती जब करण जौहर और विकास गुप्ता कुछ इस तरीके की सीरीज बनाते। लेकिन यहाँ पर विकास गुप्ता करण जौहर के एक कदम आगे निकल गए। करण जौहर तो ऐसा कॉलेज बताते थे जहाँ पे अश्लीलता एकदम धड़ल्ले से चलती थी। मतलब वहां पर लोग सिर्फ अपने जो पेरेंट्स है वहां पर एडमिशन बच्चों का इसीलिए कराते थे कि वहां पर बच्चे सिर्फ सेक्स से रिलेटेड चीजें सीखे, सेक्स किस तरह से करना चाहिए और सेक्स कितनी बार करना चाहिए और कितनी लड़कियों से करना चाहिए और कितनी लड़कियां कितने लड़कों से सेक्स करना चाहिए। बेसिकली उनकी मूवीज में यही चीज होती है, बाकी सब जुतिया बना होता है। और विकास गुप्ता की सीरीज में भी कुछ इस तरीके होता है, लेकिन यहाँ पर विकास गुप्ता ने एक कदम आगे बढ़ाया। मतलब एक ऐसी स्कूल बताइए जहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो कोई भी एंगल से स्टूडेंट नहीं लगते, स्कूल के स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं लगते भाई, क्योंकि मैं भी स्कूल पढ़ चुका हूँ यार। पढ़ाओ कि नहीं? हाँ यार, पढ़ाओ पढ़ाओ। लेकिन हमारे टाइम की स्कूल बहुत अलग थी यार, हम लोग को तो सेक्स भी नहीं पता था भाई, सच बता रहा हूँ। सेक्स तो छोड़ो, हम लोग के पास तो सेल फोन भी नहीं थे जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे। चलो वो बात की बात है, लेकिन अब डिजिटल, हमारा इंडिया डिजिटल हो गया, तो शायद इसी स्कूल भी डिजिटल हो गई होगी, पता नहीं भाई। मेरा तो कोई भाई बहन है नहीं जो अभी स्कूल में पढ़ते। खैर, ये स्कूल जो है, ये स्कूल में विकास गुप्ता पढ़ चुके हैं जहां पर पढ़ाई नहीं होती और वहां पर बहुत पैसे वाले बच्चे पढ़ते हैं, और वो बच्चे एकदम फुल टू तैयार होके आते हैं और सिर्फ लड़कियों को ताड़ने के लिए आते हैं और लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए आते हैं। ब्लो जॉब हो, थ्रीसम हो, लेस्बियन हो, गे हो, मतलब बेसिकली वो सिर्फ सेक्स स्कूल होती है। और इस स्कूल का नाम है द नोबिली हाई स्कूल, लेकिन इसका नाम हो जाए द सेक्स हाई स्कूल बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्स से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी। और जितने भी कैरेक्टर है, मेकर्स ने हमको स्टार्टिंग में यही बता दिया कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके, जैसे कि सबसे पहले एक पाजी है जो यहाँ के एक कैरेक्टर, एक स्टूडेंट है, उनका जो सीन है वो सीन एक रिवोल्यूशन है, मैं तो बोलूंगा अल्ट बालाजी की तरफ से, क्योंकि हमें अल्ट बालाजी की तरफ से हमेशा सेक्स सीन देखने को मिले लड़का लड़की के, ऐसे सेक्स सीन जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन अब हेयर रिमूव करते हुए सीन देखने को मिल गया। ये एक रिवोल्यूशन ही बोलूंगा मैं इंडियन टेलीविजन पे, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और अल्ट बालाजी ने वो कर दिखाया। तो हैट्स ऑफ अल्ट बालाजी और उनकी पूरी टीम को मैं बोलूंगा कि यही सीन के लिए आपको ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए जो अवार्ड आपको मिलने के बाद जिंदगी भर याद रहे। खैर, नेक्स्ट सीन में हमें ये बताया जाता है कि इब्राहिम यानी कि रोहन मेहरा, वो भी कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो अपने मालिक पे किसी का सेक्स कर रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि अब आगे चल के आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्स से रिलेटेड चीजें ही देखने को मिलेगी। अब तीसरा दोस्त हार्दिक, हार्दिक अंडियों के संतरों को देख रहा है, आई मीन वो अंडियों को देख रहा है और साथ में संतरे भी दबा रहा है। तो बेसिकली यहां से तो पक्की बात ये हो गई कि बस आगे वही चीज देखने मिलेगी जो मैंने सोच लिया था। और आप यकीन नहीं मानोगे, हर एक एपिसोड में आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्स सीन देखने को मिलेगा। एक लड़की दूसरे लड़के के साथ कर रही है, फिर एक वही लड़की किसी और लड़के के साथ भी कर रही है, उसे चीट कर रही है, और जब वो लड़का उसको पकड़ लेता है कि तुम कहां थी, तो वो उसके साथ में कुछ ऐसा इमोशनल एक्टिंग कर रही है जैसे कि वो बहुत बेचारी अबला नारी है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और लड़का बेचारा उसके झांसे में आ गया और बात खत्म हो गई। और जो इब्राहिम यानी रोहन मेहरा, वो एक स्टड है भाई, मतलब वो हर एक लड़की को पटा लेता है, हर लड़की है सेक्स करते हैं, और उसके जो दोस्त लगे वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। तो ये हमेशा मसीहा बन के जाता है, सोचता है कि मैं इन लोगों को लड़की दिलाऊंगा सेक्स करने के लिए, जैसे कि वो अपने दोस्त टोटो के लिए बहुत सी चीजें करता है, लेकिन टोटो एक फुस बम निकलता और कुछ नहीं। खैर, जो उसका दोस्त होता हार्दिक को एक लड़की पसंद आती, और वो सेम लड़की इब्राहिम के साथ भी थोड़ा केमिस्ट्री बताई उनकी। तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, और एक लड़की और है जिसका नाम है प्रियंका। प्रियंका का कुछ अपना ही सिचुएशन है भाई, वो सिचुएशन क्या है वो तो प्रियंका ही बेटर जानती है, या तो फिर मेकर जानते कि उन्होंने इस तरीके की चूतिया पाना क्यों किया। एक लड़की को लिया उन्होंने जिसका नाम है प्रियंका, वो आपको स्टार्ट से लेके 6-7 एपिसोड तक कुछ इस तरह से नजर आती है, मतलब वो अपने दिल में कुछ ऐसे राज छुपाए रखी जिसका राज बाहर निकलते आप लोग
ऐसा हो जाओगे, लेकिन जबकि जब कुछ भी ऐसा होता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज मेरा पर्सनली इतना टाइम वेस्ट करेगी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे बहुत सी चीजें रिकमेंड की कि भाई इसका रिव्यू करो इसका रिव्यू करो, लेकिन ये सीरीज देखकर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो इस तरीके की चीजें देखकर। क्योंकि देखिए मैंने हमेशा से कहा कि इस चैनल पे आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों का रिव्यू मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजों का रिव्यू मिलेगा जिसके बारे में आपको सतर्क करूं कि भाई इससे जितना हो सके उतना दूर रहे। सच बता रहा, जितना हो सके उतना दूर है, क्योंकि कहानी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसमें कहानी मिलती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर वो कहानी थी तो वो कहानी मुझसे कैसे मिस होगी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हर एक एपिसोड में या तो उन कैरेक्टर्स की सेक्स लाइफ देखने को मिली, या तो उन कैरेक्टर्स के आपस में एक दूसरे क्या रिलेशन वो देखने को मिला, या तो उनके पेरेंट्स लोग किस तरह से सेक्स कर रहे हैं वो देखने को मिला। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल करें सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिलदार दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। टिल देन बाय।